आज असी जेड़ी बुक पढ़ रहे हैं दस गुरु साहिबान जी दे ते आज असी सतवें पातशाह श्री गुरु हरिराय साहिब जी दी जीवनी ते पढ़ांगे उन्हां दे इतिहास ते पढ़ांगे असी वाहिगुरु श्री गुरु हरिराय साहिब जी गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे पोतरे ते बाबा गुरिता जी दे सपुत्र आप जी दा जन्म 16 फरवरी 1630 विच माता निहाल कौर जी दी कुखों शीश महल कीरतपुर जिला रूपनगर विच होया। उन्हां दा जीवन बड़ा थोड़ा सिर्फ 71 साल दा सी। उन्हां दा जन्म काफी अशांत वातावरण विच होया। गुरु हरगोबिंद साहिब जी पहले युद्धां विच ते फिर परिवारिक उलझना विच फसे हुए सन। 1628 विच अटल राय, 1631 विच माता दमोदरी जी ते फिर 1638 विच बाबा गुरदित्ता जी रब नूं प्यारे हो चुके सन। अनी राय नूं वैसे ही गद्दी दा कोई हाखरा नहीं सी। मस्त मलंग ते मोजी तबीयत दे इंसान सी। गुरु तेग बहादुर जी दुनिया तो उपराम हमेशा समाधि विच जुड़े रहना लगदा सी किसे वड्डे कारज दी तैयारी कर रहे हन। सूरजमल दुनियादार ज्यादा सन। उन्हां दा मजस्मी सुभा गुरगद्दी लई रुकावट बन गया सी। बाबा गुरदित्ता जी दे चलाने तो बाद हर राय साहिब जी 10 साल गुरु हरगोबिंद साहिब जी दी देख रेख विच पले। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने जिथे हर राय साहिब जी दी पढ़ाई लिखाई वल विशेष ध्यान दिता उत्थे शस्त्र विद्या घोड़सवारी ते शरीरिक कसरत भी अपनी निगरानी हेठ कराउंदे रहे। बचपन तो ही गुरु हर राय साहिब जी संत सुभा दे सन ते गुरु घर दी सेवा विच जुड़े रहंदे सन। ओह सुल्तान भी सन ते दरवेश भी। उन्हां दा हिरदा इतना कोमल सी कि एक फुल टुटन ते दुखी हो जांदे। एक वारी ओ गुरु हरगोबिंद साहिब जी नाल बाग विच सैर करन जा रहे सी। अचानक एक फुल उन्हां दे चोले नाल अटक के टुट गया। बहुत उदास हो गए। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कहा कि अगर चोला वड्डा होवे तां संभल के चलना चाहिदा है। जिसका मतलब साफ सी कि अगर जिम्मेदारियां वड्डियां होन तां सोच समझ के कदम पुटना चाहिदा है। बस इस सिक्ख्या नूं उन्हां ने उम्र भर याद रख्या ते सारी उम्र अपने समर्था ते सोच दी समझ के वरतों करदियां खुले पटकियां विच किसे नूं दुख तकलीफ नहीं दिती। श्री गुरु नानक साहिब जी दे वड्डे साहिबजादे श्री चंद डेरा बाबा नानक तो 18 मील दी दूरी ते उत्तर पूर्व वल पैंदे पिंड बरान विच निवास करदे सी। एक वारी गुरु हरगोबिंद साहिब जी उन्हां दे दर्शना लई गए। बड़े प्यार नाल मेल मिलाप होया। बाबा जी ने गुरु साहिब कोलों साहिबजादियां बारे पुछया तां गुरु हरगोबिंद साहिब ने अपने 5 साहिबजादियां दा जिक्र किया। बाबा जी प्रसन्न होए ते सहस वाए उन्हां दे मूंह निकल गया, सारे अपने पास रखने जे कोई सानू भी दोगे। गुरु साहिब जी ने बड़े सत्कार नाल कहा कि इह गुरदित्ता साडे नाल है, आप जी दी सेवा लई हाजर है। बाबा श्री चंद जी ने सेली टोपी जो सिखी विच गुरु अर्जन देव जी तक ही रही गुरदित्ता जी नूं भेट करदिया वचन किते, गुरगद्दी तां अगे ही तुहाडे पास है, साडे पास थोड़ा जिहा तप ते फकीरी है, ऐ भी लै लवो। जो हरगोबिंद साहिब जी दा वक्त नजदीक आया तां उन्हां ने गुरगद्दी गुरदित्ता जी दे सपुत्र हर राय साहिब जी नूं देण दा फैसला कर लिया। पुत्रां विचों कोई भी गुरगद्दी दी महान जिम्मेदारी नूं संभालन लई तैयार नहीं सी। बाबा गुरदित्ता जी 1638 विच अकाल चलाना कर गए सी।
बाबा अटल राय जी ने करा माता दिखाण दे पछतावे करके अपनी जान दे दित्ती सी। गुरु तेग बहादुर जी दुनिया दे उपराम समाधि विच जुड़े रहंदे इस तों कुछ वड्डा करन दी तैयारी विच सन, जो गुरु हरगोबिंद साहिब जी भी ही जानदे सन। सूरजमल ते अनी राय दुनियावी झमेलियां दा शौक नहीं सी रखदे, सिर्फ धीरमल छोटा पोतरा अपने आप नूं गुरगद्दी लई टाकरे दा समझदा सी ते उसने हक भी जताया, पर उसने साजसी सुभा दे चालां चलन दी फितरत उसदे राह दी रुकावट बन गई। एक गुरु तो ही गुरु घर दा विरोधी सी। इत्थों तक कि जंगा जुद्दां विच वी इह दुश्मन दा साथ दिंदा। करतारपुर दी लड़ाई समय इसने खुले तौर ते मुगल फौज दी सहायता कीती। गुरु हर राय साहिब जी उस विच ओ सारियां खूबियां मौजूद सन जो गुरगद्दी दियां जिम्मेदारियां निभाउण दे योग सन। आपने दादा वांग शिकार ते बहुत शौकीन सी, पर जानवर नूं मारन दी बजाए फड़ के लै आउंदे ते आपने बाग विच उसदी पालना करदे। जख्मी जानवर जां बीमार जानवर हुंदे तां उन्हां दा इलाज अपनी निगरानी हेठ करके फिर खुला छोड़ देंदे। ओ सारी जिंदगी तान हुंदियां भी निताणे ते मान हुंदियां भी निमाणे रहे। कई मौके आए विरोधियां ने हल्ला भी बोलिया, शरारतां भी कीतियां, पर अपनी सूझबूझ नाल आन वाले खतरे नूं टालिया। ओ किसे दा दिल दुखाउणा पाप समझदे सी। फकीर जी दा ए सलोक बड़े प्यार नाल उचारिया करदे सी। फरीद जी दा ए सलोक बड़े प्यार नाल उचारिया करदे सी। सबना मन मानिक ठाहन मूल मंज गावा जो तो पीरिया दी सिख हियाओ ना ठाहे कह दा। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 1384। फारसी दा एक बंद कहा करदे सन कि रब कहंदा है कि मैं तुहानू मंदिर या मस्जिद नूं ढाण दी आग्या दे सकदा हाँ, पर किसे दे दिल तोड़न दी नहीं, क्योंकि मंदिर मस्जिदां दी उसारी फिर कीती जा सकती है पर दिल दी नहीं। आप सारी उम्र एक पासे नीर पाओ ते सूर बीता दा ते दूजे पासे तरस दया कोमलता ते प्रेम दे उपाशक रहे। कहंदे हन हर व्यक्ति दी शख्सियत विच कोई खास गुण हुंदा है जो उसकी पहचान बनती है। कोई योद्धा, कोई देश भगत, कोई सिपाही ते कोई जरनैल, कोई नीतिवान ते कोई विद्वान, कोई दानी ते कोई दयावान, पर गुरु हर राय साहिब विच ये सारे गुण मौजूद सन। संगत जी, गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बालक गुरु हर राय साहिब जी मतलब गुरुगद्दी जो दिती सी उन्हां नूं उपदेश दिता सी कि वह सदा अपने नाल 2200 शस्त्रधारी सूर भी रखणगे, पर एक गल का ध्यान रखन कि वह अपनी जिंदगी विच किसे नाल जंग ना करन। जे किते जंग करन दा मौका पै भी जावे तां इस तों गुरेज करन। उन्हां गुरु हर राय साहिब जी नूं वार भी दिता कि जेड़ा भी उन्हां उत्ते हमला करके आवेगा वह राह विच ही मर जावेगा। जब दारा शिकोह भज के पंजाब वल आया तां गुरु हर राय जी ने उसकी सहायता की सी। जिसने भी दारा शिकोह की सहायता की सी उसनू ही औरंगजेब ने मरवा दिता सी। इस लई औरंगजेब किसी तरह भी गुरु हर राय साहिब जी नूं मारना चाहुंदा सी। पहले हमले समय उस जालिम खान नूं 10,000 फौज दे के कीरतपुर हमला करन लई भेजिया, पर जालिम खान ने रस्ते विच किसी जानवर का कच्चा मांस खा लिया तो वह खा के मर गया। फिर कंधार दे एक जरनैल दुंदे खान नूं एक वड्डी फौज दे के भेजिया। जद वह करतारपुर पुजा तो उसके एक दुश्मन ने उसनू सुत्ते पे नू मार दिता। तीसरी बार उस सहारनपुर दे नाहर खान नू भेजिया, फौज विच फैजा फैल गया, उसकी फौज विच हैजा फैल गया जिस नाल नाहर खान अते अद तो वद फौज मर गई।
इस तो बाद किसी भी जरनैल ने भी गुरु जी उत्ते हमला करने का फैसला ना किया। पूर्व बाबा जी का अनूप नगर बुलंद शहर यूपी दे निवासी दया राम की सपुत्री माता सुलखनी जी नाल जून 1640 जिन्हों की कुखों दो पुत्रा ते एक धी ने जन्म लिया, राम राय हर किशन जी ते बीबी अनू कौर जी। माता सुलखनी वाहिगुरु हाँ माता सुलखनी नू कोट कल्याणी ते त्रिवेणी भी कहा जाता सी क्योंकि ओ कोट कल्याण पिंड दे रहन वाले सी ते त्रिवेणी विच इस करके कि उन्हां दे तीन बच्चे सी। गुरगद्दी जदों छेवें पातशाह जी नू लग्या कि उन्हां दे ज्योति जो समाउण दा वक्त आ चुका है तां गुरु हर राय साहिब जी हर पास पखों काबिलियत जान के भाई दरगाह मल जी को रसम अदा करवा के 3 मार्च 1644 गुरगद्दी दी पातशाही गुरु हर राय साहिब जी वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु हर राय साहिब जी गुरु हर राय साहिब जी नूं सौंप दित्ती। उस वेले ओ केवल 14 साल दे सन। गुरगद्दी ते बैठदियां सार धर्म प्रचार दी लहर जारी रखदियां कीर्त करना वंड के छकना सिमरन ते सेवा करन लई सिखां नूं उत्साहित कीता ते इस उपदेश दी पूर्ती लई प्रचारकां दी नियुक्ति कीती ते दूर दुराडे भेजिया। गुरु घर दे लंगर खाने वास्ते भी आदेश सी कि कोई भुखा लोड़वंद नू निराश ना जान दिता जावे ना दिता जाए चाहे उस किसे वेले जा कुवेले भी आए चाहे वह किसे वेले या कुवेले भी आए। वह पहर रात उठदे पंज इशनान करके सैर नू जांदे फिर 100 गागरां नाल इशनान करके संगत विच पूजदे शब्द कीर्तन तो बाद संगत दे शंके दूर कर दे दोपहर नू थोड़ा आराम करके शिकार खेड़ा नू चले जांदे शाम नू आप कथा कर दे ते रहरा साहब सोदर दा पाठ करके लंगर छक दे आराम करन नू चले जांदे। वाहिगुरु छेवें पातशाह तो सिख लहर दा मुगल हुकूमत नाल खूनी टकराव शुरू हो गया सी जिसनू पूरी तरह संगठित होके सिख संगतां ने संभालिया सी। गुरु हर राय साहिब जी दे वेले भी कोई हालात साजगार नहीं सन। गुरु हर गोबिंद साहिब जी दे हुक्म अनुसार उन्हां ने 2200 जंग जोधे नू सूरबीर घोड़सवार रखे जो उन्हां दे अंग रक्षक सी ते हमेशा उन्हां दे नाल रहंदे पर एक गुरु साहिब जी दा फैसला ते कोशिश सी कि फौज नूं लड़ाई विच नहीं धकेलना इस लई वक्त दी नज़ाकत वेखदे देश दे विचले उतारा चढ़ावा विच आपने आप नूं निरपक्ष रखिया सिख रियासतां नूं मुगलां अते कहनूर दियां रियासतां विच उलझन नहीं दिता। उन्हां ने अपने जिंदगी विच एक भी लड़ाई नहीं लड़ी विरोधियों दे कई बार हल्ला भी बोलिया जंग तक नौबत आ गई पर गुरु साहिब जी ने अपनी सूझ ते सियानप नाल आन वाले खतरे चला गया। आन वाले खतरे तो अपने आप नु सुरकरु रखिया। वाहिगुरु जी गुरु हर राय साहिब जी की बाकी कथा
अगली बार करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु फतेह।